खो गए भाई, हम लोग खो गया। भैया ने हमें बताया था ट्रैवलर राइट में खड़ी है और हम सबसे राइट चल जा रहे हैं, ट्रैवलर का नाम और निशान नहीं मिल रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग सही हो। सही हो तो 2 मिनट लगा के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक हम लोग चलते हैं माल रोड की तरफ मनाली के एंड एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो कैसा है। भाई सामने धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, इससे अच्छा आप लोग पीछे का व्यू एंजॉय करो। भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। भाई ये व्यू हम सबका फेवरेट बन चुका है। यहाँ पे सुमित और नीरज आंटी को दिखा रहे हैं ये पूरा व्यू। चलो अभी चलते हैं फटाफट माल रोड की तरफ, देन आप लोगों को दिखाते हैं माल रोड कैसा है मनाली का एंड एक्सप्लोर करते हैं उसे। हम लोगों ने फाइनली खाना वगैरह खा लिया है, मतलब खाना तो क्या इवनिंग स्नैक्स टाइप लिया है, मैगी लिया और एक एक पराठा खाया सबने। अब चलते हैं हिडिंबा टेंपल की तरफ, इसकी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है भाई, देखते हैं कैसी है। अभी काफ़ी टाइम पहले आए थे हम लोग, मैं और सुमित आए थे फुटबॉल टीम के साथ। लेट्स सी, सुमित एक्साइटेड भाई? बहुत भाई बहुत। नीरज भाई क्या कर रहे हो? बर्फ़ देख रहे हैं। तो भाई फाइनली हिडिंबा टेंपल पहुँच चुके हैं, क्लोज से दिखाता हूँ कैसा है। ऐसा कुछ लग रहा है हिडिंबा टेंपल। इस बार मैं बैक साइड छोड़ा हमारे ड्राइवर ने, लास्ट टाइम लोग चलते हुए आए थे, बहुत दूर थी भाई, अभी तक कुछ चढ़ाई थी, थोड़ी बहुत चढ़ती उसमें भाई, इतना साथ चढ़ रहा, ठंड बहुत ज़्यादा भैया। तो भाई अभी हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए है और अभी हम लोग थोड़े इधर नेचर के थ्रू फोटोज़ खिंचवाएंगे। वापस तुम्हें वगैरह खड़े रेडी हो रहे फोटोज़ के लिए। भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ है, काफ़ी सुंदर लगता है। आप भी आओ तो भाई देखना कितना प्यार लगता है, क्या हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैसा सुनो सर टेस्ट में? तो भाई अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं माल रोड पे। अभी हमें यहाँ पे दिखा चाय सुट्टा बार, लेट्स सी इसकी चाय कैसी है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग, देखते कैसी है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं चाय सुट्टा बार से बाहर, ठीक ठीक चाय थी, इतनी कुछ खास मेरे को लगी नहीं क्योंकि मैं नोटिस चाय पर्सन। अच्छा सुमित चाय पर्सन, सुमित कैसी लगी तेरे को चाय? बेकार, इसको भी इतनी। तेरे को भाई नीरज नॉर्मल थी। तो भाई अभी हम लोग माल रोड पे आ चुके हैं, चलो आ जाओ इसको एक्सप्लोर करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। शॉपिंग देखते भाई, अगर सब कुछ ठीक ठाक मिला तो शॉपिंग भी करेंगे इधर से, क्योंकि हमारे नीरज भैया को लग रखे घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो पहली बार आया ना यहाँ पे, तभी शॉपिंग के लिए बोल रहा है। बड़ा ओके, पहले बचपन में आया था, बचपन में आया था ना, मतलब पहली बार ही हो गया ऑलमोस्ट शॉपिंग खरीद शॉपिंग के लिए। तो भाई पहली बार नीरज भैया शॉपिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी कैसे है। हमने तो करके हमें तो रेट वगैरह पता है कि भाई आके कैसे रेट है, लेट्स सी कैसे होते हैं। ठीक है आप लोग को भी दिखाते हैं अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे तो। भाई सुमित भैया की घड़ी तो एक टोपी बैठी हुई है, ये हिडिंबा टेंपल से लगा हुआ है इस वाली टोपी के पीछे और यहाँ तक आ गया, देखते हैं यहाँ पे इसको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई दूंगा। जिसके भाई हम सबको उम्मीद थी सुमित भैया, कुछ भी नहीं मिला है, इस बार भी डिस्काउंट नहीं करा, 150 पे 150 पे एड कर रहे वो लोग। सुमित कैसा लग रहा है आपको, आपकी टोपी नहीं मिल रही? भाई देखते ना भाई टैक्सी वैक्सी कुछ अच्छी, हमारे पूरा टूर है तो भाई अब देखते हैं फटाफट। सुमित कितनी दुकान और देखेगा भाई? इतनी मिलेंगी। वाह भाई आज दुखी करेगा सिर्फ एक टोपी, एक और दुकान दिखगी भाई जब तक घंटा पूरा नहीं होगा ना तब तक। भाई भाई एक घंटे का टाइम दिया है, एक घंटे से 45 मिनट भाई साहब इन टोपी को ढूंढने में निकालेंगे आज, लेट से अगर मिलती है तो बताता हूँ भाई। भाई को ये वाली पसंद आई है, फाइनली भाई 150 रुपये में ले रहे, कोई दिक्कत नहीं लेके जाएगा, ढीठ है एक नंबर का। आगे भी कोई चलो ले लेते अभी से, भैया पैक कर दो वाली। सुमित देखो भाई ये चाहिए आप लोगों को। तो भाई मॉल रोड से अब हम लोग निकल चुके हैं, इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि हम मैं और सुमित ऑलरेडी पहले घूम चुके थे, नीरज और को घूमने में इंटरेस्ट नहीं था इस बार इतना। सुमित को हमने फाइनली उसकी टोपी दिलवा दी है, खुश भाई अब टोपी मिल गई और क्या भाई, नीरज ने ये वाली टोपी ले ली बन गए सलमान खान। चलो भाई अब ट्रैवलर में चलते हैं अपनी, देन होटल की तरफ चलते हैं। भाई यहाँ पे तो इतना कुछ खास आज मज़ा नहीं आया, नहीं आया ना आज मज़ा। हाइट देख लो भाई, भाई बंदा 7 फुट का, हम 6 फुट के। ठीक है भाई ये कर लो, भ्रष्टाचार है भाई ये। हम खो गए भाई, हम लोग खो गया।
भैया ने हमें बताया था ट्रैवलर राइट में खड़ी है और हम सबसे राइट चल जा रहे हैं, हमें ट्रैवलर का नाम और निशान नहीं मिल रहा है। टेंशन हो रही है भाई, भाई एक तो ठंड हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है और हम भीगते भीगते ढूंढते जा रहे हैं ट्रैवलर कहाँ है। इतनी सारी खड़ी है दूर दूर। आखिरकार मनाली में भी घूम हो गए, कैसे लग रहा है भाई नीरज मनाली में घूम होके? भाई मैं तो कह रहा था लेफ्ट लेना है। अबे लेफ्ट में कहाँ ट्रैवलर, रुक जाओ अभी अभी राइट में जा रहे हैं ना, लेफ्ट में जाकर देख लेंगे नीरज भैया की भी करके देख लेते हैं, अगर लेफ्ट में नहीं मिली तो नीरज भैया सबको पार्टी देंगे। ठीक है भाई, हाँ नीरज भाई मैगी खिलाऊंगा, डन सीन है ना भाई? कोई सीन नहीं है, जहाँ तुम जा रहे हो वही सही है, साला कंजूस है। चलो चलते हैं भाई, फाइनली हमें हमारे कोऑर्डिनेटर मिल गए, उन्होंने बता दिया कि बस कहाँ पे है। अरे भाई फोन पे बात कर रहे हैं अभी, फटाफट हम चलते हैं बस के अंदर, होटल में जाकर लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा डिनर आज होटल में ही है। हाय हाय बोल दो सबको, हाय सब्सक्राइब करके बोल दो, सब्सक्राइब करें इसके चैनल को भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो भैया ने बोल दिया, फाइनली अपनी ट्रैवलर आ गई, अभी तक आई नहीं थी भाई। चलो दे दो फिर कंटेंट, आप पहले आप मेरे को कंटेंट दो, पहले आप कंटेंट दो, चैनल सब्सक्राइब मैं करूंगा, पहले कंटेंट। तो भाई फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं भाई, काफी ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद हम लोगों को जाना है अपने खाना खाने के लिए क्योंकि सबसे पहली ट्रैवलर हमारी ही आई है। और भाई आप एक बार व्यू नोटिस करो, कैमरे में दिख रहा, रियल लाइफ में देखो भाई, इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, ये क्या ही बोलूं भाई मैं। चलो फटाफट चलते हैं अपने रूम में, चेंज करते हैं, रिलैक्स आउटफिट में आते हैं, आफ्टर दैट भाई जब सारे आ जाएंगे फिर आते हैं हम लोग डिनर के लिए, दिखाते हैं आपको सब कुछ। वो भी लोगों ने हमारे होटल देखा, ये हमारे होटल स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यारा है भाई, बाहर से तो कुछ बोलो। आधे लोग इस आले में रह रहे हैं, आधे लोग दूसरे आले में रह रहे हैं, दूसरे आले में आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ऐसे कुछ एंट्रेंस हमारे होटल की, रूम तो आप कल वाले व्लॉग में भाई देख चुके ऑलरेडी। भैया मैंने फाइनली व्लॉग एडिट कर लिया राफ्टिंग वाला, अभी हमारे पास फ़ोन आ चुका है अजय भैया का कि खाना रेडी हो चुका है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे, तब तक ये लोग सारे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा भाई इन सब में से, सुमित जीतेगा, नीरज जीतेगा, जीतेंगे तो मित्तल साहब ही, मित्तल साहब जीतेंगे या फिर चिराग जीतेगा, मित्तल साहब के काम, देखते किसका कमेंट सही आएगा, मित्तल साहब आपके पत्ते आया है, देखते कौन जीतेगा। एंड रिजल्ट भाई सारे गेम के मैं पक्का शो करूंगा, बैठो सारे गेम ही खत्म नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसी रह जाएगा गेम, नहीं गेम मैं खत्म करूंगा भाई। मैंने तो कार्ड भी चेंज कर लिया अपना, तुम नहीं करके, मैंने खुद चेंज कर लिए, देख देख देख, जो कार्ड छोड़ देना वो निकल रहे हैं। हाँ अब मेरे को ही निकल रहे हैं। ओ भाई एक मिनट, एक चीज तो मैं लोगों में पूछना ही भूल गया, जो बंदा हारेगा वो जीतने वाले क्या देगा भाई, तभी तो मजा आएगा। मैगी पार्टी पहाड़ों पे, चलो ठीक है मैगी पार्टी डन करे कल की सोलंग में, मैगी जो जीते जो हारेगा वो सबको मैगी पार्टी देगा कल सोलंग वैली में, जो लास्ट आएगा। ठीक है भाई चलो, मैगी कंपटीशन हो गया थारा, नीचे वाला मुझे चाहिए था 6, मतलब मैं भाई फर्स्ट आ चुका है सुमित, इसके बन चुके 3 पेयर, तू इनमें 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 10 का पेयर, अब देखते हैं सेकंड कौन आएगा, जो लास्ट और सेकंड लास्ट आएगा भाई वो देंगे मैगी पार्टी। क्या बोलना चाहेंगे सुमित, आपसे आगे देखते हैं होता है क्या, सुमित आपसे जीत, सुमित आपसे जीत छीन के लेगा, कैसा लग रहा है सुमित? तो भाई अल्लाह की देन है। सुमित भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? सुमित भाई बोलना चाहोगे कुछ है? जीत के कैसा लग रहा है? बस मैगी खाएंगे कल आराम से। आप मैगी खिलाते हो कैसे लगोगे? भाई मैं नहीं खिलाने वाला भाई, अगर हारे तो आपको खिलानी पड़ेगी। मित्तल को जो कार चाहिए मेरे पास, मुझे चाहिए मित्तल के पास। अरे मैं खिला दूंगा, मैगी हारो तो और बताओ साथ में खिलाएंगे, क्या बात है, दिल हो तो मित्तल साहब जैसा। चलो फिर मित्तल साहब के नाम डन करते हैं मैगी कल की, डन करो क्या हो रहा है, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से खाना खाने के लिए, और भाई बाहर बारिश इतनी ज़्यादा तेज आ रही है ना, और ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, सुमित के हाल देख लो भाई, ये देख लो, और मुझे देख लो भाई, वार्सिटी के नीचे जैकेट, जैकेट के नीचे टी शर्ट के नीचे स्वेटशर्ट, स्वेटशर्ट के नीचे भी इनर, फिर भी भाई ठंड लग रही है। चलो फटाफट चलते हैं, हमें जाना भी दूसरी वाली साइड है, और सामने जो दिख रहा है ना लाइट जहाँ चल रही है वहाँ जाना है हम लोगों को, फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, देन वो लोग कंटिन्यू। आज हमें क्यार मंगलम की तरफ से मिले चावल, मिक्स दाल, शाही कढ़ाई पनीर, क्या भेजूँ भाई। फाइनली खाना वाना खा के अब हम लोग आ चुके हैं, खाना ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था, तो इसी के साथ ही यार हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो फटाफट इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब याद से कर देना, कल हम
मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा, तो स्टे ट्यून रहना ठीक है। और एक और बार देख लो भाई व्यू ये वाला, भाई वो वाला जो सामने होटल दिख रहा है ना भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन क्या करें भाई, क्यार मंगलम वालों से इतने की उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, कभी अपने दोस्तों के साथ आएंगे तब उस वाले होटल में रुक जाएंगे। टिल देन आप सब इन्जॉय करो, कल मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।